नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। सिवान जिले के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ी नबीगंज मदारपुर से एक वीडियो आई है जो कि बिहार की स्वास्थ्य सिस्टम का पोल खोल रही है। दरअसल बात यह है कि आज एक सज्जन पहुंचे थे आयुष्मान भारत हेल्प एंड वेलनेस सेंटर अतिरिक्त प्राथमिकी मदारपुर। वहाँ जाने के बाद उन्होंने पहले तो डॉक्टरों को पूछे, कहाँ हैं डॉक्टर साहब, आखिर सरकार जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोली है तो दवा भी मिलेगा, डॉक्टर भी चेक करेंगे। लेकिन लगातार कई दिनों से इस स्वास्थ्य केंद्र की चक्कर लगा रहे हैं लोग, लेकिन डॉक्टर साहब से मुलाकात हो ही नहीं रही है। वहीं एक महिला डॉक्टर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हम तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे हैं वही जानते हैं। लेकिन बता दूं, जब महिला डॉक्टर से कहा गया कि आप हमको दवा दे दो, तो मैडम इतना ना बिजी थी फिल्म में, ताकि जब मरीज अस्पताल पहुंचा था तो उस वक्त डॉक्टर साहिबा अपने मोबाइल में फिल्म देख रही थी। जब बोला गया कि डॉक्टर साहब नहीं है तो आप ही दवाई दे दीजिए, तो तुरंत बोली नबीगंज चले जाइए। अब सवाल खड़ा ये होता है, आखिर सरकार पैसा देती है तो फिर डॉक्टर लोग ईमानदारी से अपना ड्यूटी क्यों नहीं करते। बताते चलूँ, ये मेडिकल अस्पताल वर्तमान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी पांडे के जिला में आता है। आप समझ सकते हैं, जब मंत्री जी के जिला में मेडिकल व्यवस्था का ये हाल है तो अन्य जिलों में क्या होती होगी। खैर, हम तो सरकार और जिले के उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे, आखिर पता करें मदारपुर का ये स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कहाँ लापता है, आखिर ईमानदारी से अपना ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ड्यूटी के समय आखिर डॉक्टरों को किसने हक दिया है कि फिल्म देखने का, ये जांच की विषय है। मंगल जी पांडे जरूर इस स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान देकर जांच के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि डॉक्टर अपने समय पर अस्पताल पहुंचे, ताकि आम लोगों को समय से पहले इलाज हो सके और दवा भी मिल सके। देखिए लकड़ी नबीगंज के मदारपुर स्वास्थ्य केंद्र से ये एक्सक्लूसिव वीडियो। नहीं है कोई डॉक्टर? नहीं आए हैं? ना। तो डॉक्टर अभी नहीं करता है लोग? अभी क्या पता ना, काहे नहीं आ रहा, हम तो रोज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप मतलब क्या हैं आपके? हम एने में, तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर लिखेगा तभी ना हम देंगे। हम पर्ची काटिए दे, डॉक्टर साहब ना रहे तो दवाई आप लीजिएगा। तो दवाइयाँ जो लिखा है वही काट करना है, पर्ची वही दवाई दे दीजिए हमको। नहीं जैसे मतलब नवी बन चले। चले आइए अपने फैमिली के साथ हैप्पी मार्ट में। जी हाँ, हैप्पी मार्ट दे रहा है दुबई की सुविधा आपके शहर में। कार की सुविधा, आपके घर से जाकर अपनी गाड़ी से लाने का और घर पर सुरक्षित छोड़ने का व्यवस्था। फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खुद को सवारने के लिए आइए हैप्पी मार्ट में, मेन रोड बहादुरपुर बाजार बरहरिया।